हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। और जो मज़ा विंटर्स में धूप सेकने का है वो मज़ा और कहीं नहीं है, और साथ साथ गरम गरम पानी और सीजनल फ्रूट्स मिल जाए तो वाह भाई क्या लाइफ है। एंड एज वी नो दैट फ्रूट्स आर फुल ऑफ नेचुरल न्यूट्रिएंट्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है हमारी बॉडी प्लस स्किन के लिए। और विंटर्स में हमें अपनी स्किन, हेयर, फुल बॉडी की एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा है। हेल्दी दिखने से पहले हेल्दी फील करना ज़रूरी है। इसीलिए मैं आजकल डेली मॉर्निंग में गर्म पानी पीती हूँ तुलसी डाल के, और पूरे दिन भर फ्रूट्स खाते रहती हूँ। नाश्ता करने के बाद मैंने अपने बालों में लगाया ये अनियन वाटर, क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे थे। ये पानी मैंने कैसे बनाया है अगर आप लोगों को भी जानना है तो मैंने इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, यू कैन गो एंड चेक। अगर आप लोगों को भी हेयर फॉल हो रहा है तो यू शुड ट्राई दिस। अगर आप अपने बालों में कोई भी ऑयल या फिर सीरम लगाते हैं तो मेक श्योर कि आप लोग अपने सर को अच्छे से मसाज करें। विंटर्स में मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, जिसके लिए आई एम यूजिंग दिस जेंटल क्लेंजर। इट इज़ फ्रॉम सिंपल। इसके अंदर ना कोई भी फ्रेग्रेंस है, ना ही और कोई फोम है। इट इज़ बेस्ट फॉर ऑल स्किन टाइप्स। एंड येस, इफ़ यू आर डूइंग अ फेस वॉश, गिव योर टाइम टू इट एटलीस्ट 1 मिनट मसाज, कि आपकी स्किन अच्छे से साफ रहे। देन आई एम यूजिंग दिस राइस एंड रोज वाटर मास्क फॉर 20 to 30 minutes। मैं डेली तो नहीं लगाती हूँ, बट आई ट्राई टू यूज़ इट फ्रीक्वेंटली, बिकॉज आई रियली फील कि राइस मास्क मेरी स्किन को बहुत अच्छे तरीके से बहुत डीपली साफ करता है। एंड एज वी ऑल नो, राइस हमारी स्किन को ब्राइटन करता है और डेड स्किन को रिमूव करता है। नहाने के बाद वी ऑल नो कि विंटर्स में हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, जिसके लिए आई एम यूजिंग दिस बोरो प्लस बॉडी लोशन। ये फ्री मिला था मुझे बोरो प्लस के साथ, एंड मुझे ऐसा लगता है कि विंटर्स में बोरो प्लस से बड़ा सेवियर और कुछ नहीं है। नेक्स्ट आई एम यूजिंग रोज वाटर एज अ टोनर। सेरामाइड्स आर बेस्ट फॉर स्किन मॉइस्चराइजर, बिकॉज दे क्रिएट अ बैरियर दैट हेल्प्स टू प्रिवेंट मॉइस्चर लॉस, कीपिंग स्किन हाइड्रेटेड, प्लम एंड सैपल। एंड आई एम यूजिंग दिस मिनिमलिस्ट 0.3% सेरामाइड मॉइस्चराइजर, विच रिपेयर्स डैमेज स्किन। सनस्क्रीन इज द मेन पार्ट ऑफ एवरी वेदर। वेयरिंग सनस्क्रीन इज वन ऑफ द बेस्ट एंड ईजिएस्ट वे टू प्रोटेक्ट आवर स्किन अपीयरेंस एंड हेल्थ एट एनी एज। यूज इट रेगुलरली बिकॉज इट हेल्प्स टू प्रिवेंट सनबर्न, स्किन कैंसर एंड प्रीमैच्योर एजिंग। एंड फॉर माई लिप्स आई एम यूजिंग दिस वैसलीन एज अ लिप बाम। जैसा कि आप लोगों को दिख ही रहा है कि मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा फ्रिजी हैं, फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस हेयर एंड केयर फ्रिज फ्री सीरम, विच सेज इट विल गिव यू इंस्टेंट शाइन एंड फ्रिज फ्री हेयर्स। एंड आई थिंक सही कहते हैं ये लोग। इवनिंग के टाइम पे फिर से हमारी स्किन जर्नी स्टार्ट होती है। सबसे पहले मैंने फिर से अपने सर पे अनियन वाटर लगाया, एंड देन अच्छे से खुद को एक अच्छी हेड मसाज दी, जो कि काफी ज्यादा रिलैक्सिंग थी। देन अपने बालों को अच्छे से सेट किया एंड मेड अ लूज ब्रेड। ब्रश करने के बाद आई यूज्ड कोकोनट ऑयल टू रिमूव मस्कारा एंड लिटिल बिट ऑफ माई मेकअप। काफी लोग माइसेलर वाटर या फिर बॉडी लोशन यूज करते हैं, बट आई प्रेफर कोकोनट ऑयल, क्योंकि उसको यूज करने के बाद थोड़ी बहुत फेशियल एक्सरसाइज भी हो जाती है। फर्स्ट आई एम यूजिंग दिस जेंटल क्लेंजर बाई सिंपल, एंड देन आई एम यूजिंग दिस फोमिंग फेस वॉश फ्रॉम पतंजलि, बिकॉज मेकअप के बाद डबल क्लेंजिंग करना सही रहता है, क्योंकि इट विल रिमूव योर मेकअप एंड डर्ट फ्रॉम योर स्किन। आफ्टर दैट एज यूजल आई एम यूजिंग गुलाब जल एज अ टोनर, देन अ हाई एलोरॉनिक सीरम फ्रॉम पिलग्रिम। आई एम यूजिंग दिस सीरम एट नाइट बिकॉज आई वॉन्ट माई स्किन टू अब्सॉर्ब मॉइस्चर वाइल रेस्टिंग। देन आई एम यूजिंग दिस कोरियन मेथड, दिस इज द स्लैपिंग मेथड विच सेज दैट इट विल इंक्रीज योर ब्लड सर्कुलेशन एंड कोलेजन प्रोडक्शन। देन आई एम यूजिंग बोरो प्लस एज अ मॉइस्चराइजर, बिकॉज मुझे बहुत ही ज्यादा ड्राई फील होता है अगर मैं किसी मॉइस्चराइजर का डबल लेयर ना करूँ तो, इसीलिए आई ऑलवेज गो फॉर थिक मॉइस्चराइजर लाइक बोरो प्लस। एंड वैसलीन इज द लास्ट स्टेप ऑफ माई होल नाइट रूटीन फॉर माई लिप्स, brows and the side of the nose. So this was my winter day to night skincare routine, and if you like the video do tell me on the comment section, and yes tell me how much you care about your skin. Okay, bye.